कि परमेश्वर ने अब्राहम को विश्वास का पिता बनाया। मैं पूछता था कलीसिया से कि विश्वास का पिता वो कब बना। मैं एक चर्च में बता रहा था, वो विश्वास का पिता कब कहलाया। पहली बात मैं एक बड़ी जबरदस्त बात बता रहा हूं आपको, वो पिता सही ढंग से तब बना जब इज़ाक को बलि करने की बात आई। एक बाप का हृदय लेकर उसको प्रैक्टिकल में उतरना पड़ा। तब परमेश्वर ने कहा कि मैंने तेरे प्रेम को देख लिया है कि तू विश्वास का पिता बन सकता है। उसने प्रैक्टिकल करके दिखाया, सिद्ध कर दिया कि मैं एक बाप का हृदय रखता हूं और मैं तेरे से परमेश्वर इतना प्रेम करता हूं इसको बलिदान कर सकता हूं। उसने बाप का रोल अदा करके दिखाया, तब विश्वासी में पिता कहलाया अब्राहम। सुन रहे हैं? हमें भी परमेश्वर इस लेवल पर लेकर आना चाहता है कि हम पर परमेश्वर फकर करे कि तुमने कर दिखाया और मैं तुम्हें ये चीज देता हूं, जाओ संसार में तुम ये हो मेरे लिए, मेरे राज्य फैलाओ। भाई बहुत कहना आसान है ये चीजें, समझ बात को। फिर मैंने यूसुफ का उदाहरण दिया था दूसरा। यूसुफ जब गड्ढे में गिरा, उसके भाइयों ने छोड़ दिया उसको। याद रखिए परमेश्वर उसके साथ में था। जब वो गड्ढे में गिरा तब भी परमेश्वर साथ में था। यूसुफ जब जेल में था तब भी परमेश्वर साथ में था, और जब यूसुफ को राजा बनाया तब भी परमेश्वर साथ में था। क्या हम इन हालातों को सह सकते हैं, खड्डे के अंदर रहकर ये बात कह सकते हैं कि प्रभु मेरे साथ है? क्या गरीबी में, बीमारी में, दुख में रहकर बोल सकते हैं कि परमेश्वर मेरे साथ है? भाई बहुत बड़ी बातें हैं, आसान नहीं है ये चीजें। इन्हीं चीजों से परमेश्वर प्रेम करता है। परमेश्वर देखिए आप, उसके भाइयों ने बेचा, खड्डे में डाला। परमेश्वर की योजना थी उसको पहुंचाने की, कि कहां तक पहुंचाना इसको मुझे। यही हमारे जीवन योजना होती है, परमेश्वर हमें कहीं पहुंचाता है, कहीं पहुंचाता है, क्या करता है उसको चुपचाप तरीके से। जो व्यक्ति सेव कई में चुपचाप से दुख आए, मुसीबत आए, संकट आए, कुछ भी आए, उस स्थान को आनंद के साथ लेता जाएगा और विश्वास रखे प्रभु मेरे साथ है, तो याद रखो एक दिन तुम राजे बनाए जाओगे। घबराने की बात नहीं कोई भी, तभी तो प्रभु कहता है मत डर मैं तेरे साथ। तो ये चीज परमेश्वर चाहता है। अब्राहम ने वो चीज करके दिखाई, ठीक है, परमेश्वर के लोगों ने वो चीज करके दिखाई, ठीक है ना। और यही चीज आज भी परमेश्वर हमसे चाहता है। ये चीज आज ध्यान दो बात करिए, ये चीज आज परमेश्वर हमसे भी चाहता है। हम खुश ना हो गए अब्राहम को पिता बना दिया, परमेश्वर आज हमसे भी चाहता है ये चीजें कि हम भी अपनी योग्यता को दिखाएं खुदा के सामने, अपने स्टैंडर्ड को, अपने घमंड, शेखी, ऊंचापन। मैं तो हैरान रहता हूँ यार, कुछ होता भी नहीं हमारे पास फिर भी हम डीसी बने गए उनके पास, नहीं कुछ है ही नहीं फिर भी हम डीसी हैं, कमाल है यार। तो इसलिए भाई मैं तो ये कहता हूँ, ना तो मुझे कोई ऊंचा बढ़ना, ना कोई लेना ना देना, अब तो आराम से सिंपल रहे जो खुदा कह रहा है चुपचाप आनंद के साथ करते जाएंगे। जब तक तो खुदा ने जीवन दिया नो प्रॉब्लम। प्रभु आपको आशीष दे, ध्यान रखो इन बातों के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट बातें ये।